कलयुग का है अंत निकट आया संधिकाल इन युगों युगों का अब समीप आया साधना के महापर्व को साथ है नमस्कार जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूं सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालूंग के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं गणेश उत्सव को प्रारंभ हो गया है हम सभी के लिए ये बहुत आनंद का क्षण है सभी हिंदू हर्ष और उल्लास में है परंतु इसी समय में गणेशोत्सव के कालावधि में ही ये जो तथाकथित जो पर्यावरण प्रेमी है सेक्युलरवादी है खुद को प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव समझने वाले ये जो लोग हैं आधुनिक लोग तो ये हमारे गणेश उत्सव के कारण प्रदूषण होता है इस प्रकार से एक डिंडोरा पीट रहे हैं और यही हमारे हिंदू समाज को कहीं ना कहीं तो भ्रमित करने का प्रयास इन लोगों द्वारा किया जा रहा है हिंदुओं के पास धर्म शिक्षा के अभाव के कारण और हमें कुछ जानकारियाँ उस तथ्य न पता होने के कारण हम इनके प्रश्नों का इनके का जवाब नहीं दे पाते तो इसीलिए आपको ये जो गलत बातें हो रही है उसके बारे में जानकारी मिले और आप भी इन कम्युनिस्ट लोगों को इन तथाकथित पर्यावरण लोग पर्यावरण प्रेमी वादियों को आप जवाब दे पाएं आपको भी इसके बारे में जानकारी मिले इसलिए कुछ तथ्यों के साथ हम आज का यह विशेष धर्म संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं हमने पिछले धर्म संवाद में गणेश मूर्ति का विसर्जन टंकी में क्यों नहीं करना चाहिए अमोनियम बाइकार्बोनेट में क्यों नहीं करना चाहिए ये हमने समझ कर लिया और कोरोना महामारी के इस जो प्रतिकूल स्थिति में हमें गणेशोत्सव कैसे मनाना चाहिए उसका विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए ये कुछ जानकारी हमने समझ कर ली थी और भी कुछ तथ्य हम समझ कर लेने वाले हैं हमारे साथ हिंदू जन जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी यहाँ पर उपस्थित हैं नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी नमस्कार कार्तिक जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने हमें गणेश विसर्जन के बारे में कुछ सूचनाएं यहाँ पर बताई थी कुछ सूत्र हमें समझाए थे कि बहते हुए पानी में हमें विसर्जित करना चाहिए ये धर्मशास्त्र के अनुसार भी होता है परंतु प्रशासन के द्वारा कुछ कृत्रिम टैंक का प्रयोजन किया जाता है जिसमें गणेश मूर्ति को विसर्जित करने का आवाहन किया जाता है तो इसको विरोध क्यों करना चाहिए इसके बारे में जो तथ्य है वो आप हमारे सामने रखें कार्तिक जी सबसे पहले कुछ तथ्य हमें जानकर लेने की आवश्यकता है मूलतः ये जो गणेश उत्सव का जो त्यौहार है या चाहे नवरात्र हो यह जो हमारे सार्वजनिक त्यौहार आते हैं वो बारिश के कालावधि में आते हैं यानी भारत में विश्व में तो दो ही ऋतु है मगर भारत में तीन ऋतु है विश्व में बारिश का मौसम नहीं होता है मगर भारत में विशिष्ट कालावधि में बारिश आती है और भारत यह इस दृष्टि से एक समृद्ध देश कहा जाता है कि उसमें विशिष्ट कालावधि में एक विशिष्ट पैमाने में बारिश आती है तो इन बारिश के कालावधि में बारिश और बाढ़ के कारण वैसे ही नदियाँ काफ़ी उथान से बहती हुई जाती है कभी कभी गाँवों को गाँवों को वो अपने चपेट में लेकर पूरी उसकी गंदगी को लेकर वो गाँवों को साफ करते हुए आ, वो अपना प्रवाह जारी रखती है और आखिर में समुद्र में चले जाती है तो मूल तो नदियाँ और बहता हुआ पानी यह एक स्वयं शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और जहाँ बहता हुआ पानी है उसकी क्षमता होती है कि बहते हुए पानी में कहा जाता है कि कुछ अंतराल के बाद वो उसके बहने की गति का कारण वह स्वयं ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया निरंतर करता रहता है और इसलिए सबसे शुद्ध और पवित्र जो है वो बहता हुआ पानी ही माना जाता है अब बहते हुए पानी को सरकार ने जहाँ पर अड़ाकर उसको स्टैगनेशन किया है और उसका बहाव रोका है तो वह भी एक प्रदूषण का कारण है यह हमें सोचने की आवश्यकता है यह सबसे पहले बात हो गई और दूसरी जो बात है कि वर्तमान में जो अनियंत्रित जनसंख्या का विस्फोट भारत में हो रहा है वह हमें पानी की कमी और पानी के मांग का दूसरा महत्वपूर्ण कारण बना है अब इस नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रित करने के प्रक्रिया में केवल हिंदुओं को ही जबरन बाध्य करके हम दो हमारे दो नाम का एक नारा थोप कर हिंदुओं की जनसंख्या को तो उन्होंने कम किया और अन्य धर्मियों को एक अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ाने की जो सहूलियत दिया है तो यहाँ पर भी ये कम्युनिस्ट विचारधारा की या साम्यवादी विचारधारा की या सेक्युलरवादी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उन्होंने ये जो अभियान जारी रखा है तो जनसंख्या के भी अभियान में हिंदुओं को ही टारगेट किया गया और हिंदुओं को ही प्रतिबंधित किया यह स्पष्ट दिखता है और अन्य धर्मियों को सहूलियत दे संवैधानिक कानूनी या पॉलिटिकल पावर के आधार पर हिंदुओं के साथ रिलीजन या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है ये हमको इस मात्रा में भी दिखता है और अनियंत्रित जनसंख्या यह भी एक कारण है कि पानी की मांग बढ़ी है और उसके लिए अब पानी की तड़प शुरू है अब तीसरा महत्व की जो बात है कि अब ये कृत्रिम टैंक बनाना चाहते हैं तो मूलतः कृत्रिम यानी कृत्रिमता ही है आर्टिफिशलनेस ही है और हमारा जो धार्मिक त्यौहार है वो एक नैसर्गिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है और कृत्रिमता से उसमें बाधा आती है हमारे भक्ति के ऊपर उसका एक आघात हो रहा है हमारे धार्मिक त्यौहार या धर्म परंपरा से दूर लेके जाने के एक षड्यंत्र हो रहा है और इसलिए इसके बारे में जो कुछ अन्य संगठनाओं ने तथ्य सामने लाए उसके बारे में मैं अभी आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा टाइम्स ग्रुप के जो पुणे मिरर नाम का जो एक अंग्रेजी वृत्त पत्र है उसने कुछ वर्ष पूर्व इसके विषय में एक समाचार प्रकाशित किया था उन्होंने समाचार के साथ कुछ फोटो भी छापे थे और उसमें यह दिखाया था कि इस कृत्रिम टैंक में विसर्जित की हुई गणेश मूर्तियों के अवशेष नदी में किस प्रकार से यह सरकारी यंत्रणाओं ने विहित किए हुए कर्मचारी या सरकारी यंत्रणाओं के कर्मचारी किस प्रकार कर रहे या उनको सहायता करने वाले एन ये गणेश मूर्ति के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं वो उन्होंने फोटो में भी स्पष्टता से दिखाया था अब इसमें क्या क्या प्रकार हुए कि इसमें प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो सबसे पहले ये कृत्रिम टैंक में उतरते हैं और उस कृत्रिम टैंक ने हमने अपनी गणेश की मूर्तियां विसर्जित किया है यानी एक तरह से गणेश की मूर्तियों के ऊपर पैर रखकर ही वो टैंक में खड़े होते हैं और फिर वहीं से वो मूर्तियां बाहर निकलते हैं तो इसको क्या प्रशासनिक या शासन के स्तर पर हिंदू धर्म की अवेलना हिंदू धर्म का विडंबन और हिंदुओं की आस्थाओं पर आघात ऐसे कहना चाहिए ना क्या इस प्रशासनिक कर्मचारी और शासन के विरुद्ध में दो सौ अ के तहत हिंदुओं की आस्था और धार्मिक भावना आहत करने के लिए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए हमारे देवता की मूर्ति जो हमारी आस्था है उसके ऊपर पैर देकर ये खड़े होकर अगर हमारे देवता का अवमान कर रहे तो हिंदू धर्म के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ भी और भावना आहत करने का गुना भी है ऐसे हमें लगता है अब ये है। अब ये ये मूर्तियां मूर्तियां बाहर बाहर निकलते हैं निकलने के बाद हम सम्मान से उसको हम फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी है वो सजा कर उसमें एक अतिथि नहीं तो एक भगवान अतिथि के रूप में हमारे घर में आ रहे हैं तो उसका मान सम्मान करके जिसको हम कहते हैं कि ढोल ताशे बजाते हुए एक भावगीत संगीत लगाकर कहीं विकृति आए तो अन्य संगीत भी चलता है उसका तो हम निषेध करते ही है तो ऐसे इसको लेके आते हैं तो उनको लेके जाने के लिए प्रशासकीय अधिकारी कौन सी गाड़ी वापरते हैं नगर पालिका महानगर पालिका की कचरिया गाड़िया यूज करते हैं क्या हमारी देवताओं को कचराओं की गाड़ियां में लेके जाना ये प्रशासनिक और सरकारी तौर पर हिंदुओं के धार्मिक भावना आहत करने का प्रयास नहीं है इस सेकुलर सरकार जो स्वयं को धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष कहती है वो अपने योजनाओं के तहत हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है क्या इसके लिए अभी प्रशासन और शासन को जिम्मेदार तय करके उनके ऊपर अभियोग चलाने की आवश्यकता है और फिर क्या करते हैं? ये कचरे गाड़िया में उन मूर्तियों को लेकर जाते हैं और बाद में उन्हें फिर से नदी के जल में उन्होंने फेंका था अब यह तो और एक गणेश भक्तों की भावना के साथ खिलवाड़ है प्रारंभ में तो उन्होंने जल में विसर्जित करने के लिए मना किया जल में विसर्जित करने के लिए मना करके फिर कृत्रिम टैंक के टेंडर्स निकाले और उसमें किसका किसका अर्थलाभ हुआ महानगर पालिका नगर पालिका शासन के कौन से लोगों ने वो, वो टेंडर निकाले और फिर वो टेंडर निकाले उसमें कितने पॉलिटिकल पार्टियाँ या कितने साठगाठ वाले लोगों ने वो टेंडर पास करवा लिए इसकी जांच होना आवश्यक है और उसमें अधिकांश किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के ही अगर ना निकले तो बड़ी आश्चर्य की बात होगी ऐसे मुझे लगता है इसके बाद कृत्रिम टैंक का खर्चा अनावश्यक जो है वो महापालिका नगर पालिका या शासन करता है दूसरे टप्पे पे अब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका एक दूसरा टेंडर या खर्चा का प्रावधान करना पड़ता है अब खर्चा तो वो नॉर्मल करते हैं मगर कचरा गाड़ियों पर यूज करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का आहत करते और फिर जाके उसी पानी में डालते हैं जिसके लिए वो भक्तों को प्रतिबंधित करते हैं तो ये जो श्रृंखला है ये श्रृंखला के बीच में जो एक इकोनॉमिक टर्न हुआ है तो उसमें किसका किसका लाभ हुआ ये ढूंढने की आवश्यकता और दूसरी अगर सरकार पहले कृत्रिम टैंक बनाकर फिर गाड़ियों में डालकर फिर वही नदी में डालना है तो जो भक्त डालना चाहते तो उनको प्रतिबंधित करने के पीछे हिंदू धर्म की आस्था पर आघात हिंदू धर्म के त्योहारों पर आघात और हिंदुओं को अपने धर्म से दूर लेके जाने की जो प्रक्रिया चल रही है उस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश करने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है तो क्या इस प्रकार का हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का आहत करने वाला इस प्रकार से हमारे गणेश जी का एक पाव रखकर उसको ये करने का जो विडंबन करने का प्रयास है तो ये हमारी आस्थाओं पर आघात करने के प्रयास इस हमारे देवताओं को कचरा गाड़ी में महानगर पालिका जिसमें कचरा उठा कर लेके जाती है ऐसे गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट करके फिर नदी में डालने की जो प्रक्रिया है तो इस प्रकार का विडंबनात्मक हमारे देवता का और हिंदू धर्म के आस्थाओं का विसर्जन का प्रकार क्या हिंदुओं को मान्य है और पुणे जैसे तो शहरों में यह भी देखा जा रहा है कि कृत्रिम टैंक में जो पानी होता है वह भी फिर से नदी में ही जाकर डाला जाया है और ऐसे तथ्य कुछ जगह मिले हैं और उसका अनेक मृत्यु पत्रों में भी न्यूज आया है एक और ऐसे बताया जा रहा है कि आप टैंक में विसर्जन करें और दूसरी तरफ प्रदूषण ना हो इस उद्देश्य से यह टैंक बनाया गया है और दूसरी जगह वही टैंक का पानी फिर जलाशय में जाके मिलाया जाए तो भक्तों ने मूर्ति अगर जलाशय में डाली तो प्रदूषण होता है मगर वही मूर्ति जब कृत्रिम हद में डालते हैं और फिर प्रशासन वही पानी जाकर फिर नदियों में डालता है तो उससे प्रदूषण होता नहीं तो यह कौन सी प्रदूषण का नया नियम इन्होंने निकाला है और इससे साध्य क्या हो रहा है तो इससे अनेक प्रश्न निर्माण होते हैं कि क्या इस सेक्युलर सोशलिस्ट सरकार को हिंदू के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार है क्या वो हिंदू के धार्मिक भावना और त्यौहार परंपराओं में बाधा डालने के लिए बेवजह उनको अधिकार है क्या वो गणेश मूर्ति के ऊपर पाव रखकर खड़े रहने का कर्मचारियों को आदेश दे सकती है और जो गणेश मूर्ति और पानी जलाशय में डालने के लिए हिंदुओं को प्रतिबंधित कर रहे हैं वही सरकारी यंत्रणा मूर्ति और कृत्रिम टैंक का पानी जाकर फिर वही जलाशयों में डालती है तो ये कौन सा नया प्रकार निकला कि भक्तों ने डाला तो प्रदूषण होता है और सरकारी यंत्रणा ने डाला तो नहीं होता है तो इन सभी अनियमितताओं की जांच होने की बहुत आवश्यकता है सब हिंदुओं को एकत्रित आकर सरकार को खत लिखकर इसके ऊपर बड़ा आ, एक अभियान छेड़ने की आवश्यकता है और जो इसको जिम्मेदार अधिकारी है प्रशासकीय कर्मचारी और जो इसमें आर्थिक हित देखकर टैंक और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर में सहभागी हो रहे उन सब का आर्थिक अनियमितता भी ढूंढ कर समाज के सामने लाने की आवश्यकता और हिंदुओं संगठित हो जाओ ये सेकुलर सरकार जनसंख्या नियंत्रण का हो तो भी हिंदुओं के साथ भेदभाव करते हैं हो या मूर्ति विसर्जन या जल प्रदूषण वायु प्रदूषण की बात हो तो केवल हिंदुओं के आस्थाओं पर आघात करते हैं और कई मंदिर सरकारी तो हिंदुओं की मंदिर का सरकारीकरण होता है मस्जिद या चर्च का नहीं होता है तो शासकीय स्तर पर क्या धार्मिक आधार पर हिंदुओं के साथ इस देश में भेदभाव हो रहा है क्या और ये संविधान के विरोध समता के तत्वों के विरोध में होने के कारण सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के इस संविधान के आश्वासन के विरोध में होने के कारण अब सरकार को इस प्रकार का जवाब मांगकर उन पर एक कानूनी प्रक्रिया भी करने की आवश्यकता है और अब हिंदुओं को समान अधिकार मिले इस प्रकार का एक नया अभियान छेड़ने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने जो तथ्य हमारे सामने बताए जो जानकारी यहाँ पर बताई है तो ये जानकारी हम लोगों तक पहुंचती नहीं है और उसी का परिणाम ये होता है कि हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेलने का कहीं ना कहीं तो एक घिनौना प्रयास यहाँ पर हो रहा है जो मूर्ति हम भक्ति भाव से हमारे घर में लाते हैं उसकी पूजा अर्चना करते हैं और उसी को हम कृत्रिम टंकी में डाल देते हैं उसका बाद में होता क्या है तो ये आज बताया है कि उस वही मूर्तियों को बाद में बहते हुए पानी में या नदी में फेंका जाता है तो हमारे भावनाओं को कुचलने का प्रयास ये विधर्मी लोग कर रहे हैं ये कम्युनिस्ट लोग कर रहे हैं तो इसके लिए अभी हमें सतर्क रहना है और ये जो तथ्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं तो इसको हम सामने रखकर जब भी इस प्रकार से आपको कोई आह्वान करने आएगा तो उससे आप ये प्रतिप्रश्न कर सकते हैं उससे जवाब मांग सकते हैं और हम सभी से यहाँ पर आह्वान करते हैं कि जो आपकी गणेश मूर्ति है तो उसको यदि संभव है तो बहते हुए पानी में ही विसर्जित करने का प्रयास करें मैं इस चर्चा को आगे लेकर जाता हूँ सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने विसर्जन के संदर्भ में कुछ मार्गदर्शक सूत्र बताए थे तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को अवगत करवाएं कार्तिक जी ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने विसर्जन के संदर्भ में 2010 के आसपास ही कुछ मार्गदर्शक सूचनाएं जारी किया था और उसमें उन्होंने स्पष्टता से बताया था कि मूलतः जलाशय तो है वहाँ पर यानी विसर्जन है वो जलाशय में ही हो इसका ही प्रावधान उन्होंने बताया था और 100 फीट के जलाशय में दीवार के द्वारा 20 फीट तक का एक छोटा टैंक बनाने की सूचना दिया इसका मतलब था कि जलाशय तो है परंतु इसके बीच में 20 फीट का एक कृत्रिम एक दीवार बना के उसको एक चेम्बर ऐसे बनाया जाए जिसमें मूर्ति का विसर्जन भक्त लोग कर सके इससे क्या होगा कि मूर्ति का जो विसर्जन है वो बहते पानी में तो हो रहा है लेकिन मूर्ति के जो शेष घटक है वो नीचे टैंक में जमा रहे और मूर्ति में जो ईश्वरी तत्व जागृत हुआ था वह पानी में विलीन होने के बाद पानी के साथ वो बहता बहता आगे चले जाए यानी एक तरह से धार्मिक आस्थाओं को बचाने का भी उसमें एक विचार था ऐसे यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है सेंट्रल बोर्ड ने जो भी गाइडलाइन किए हैं, उसका जो पालन है वो राज्य के प्रदूषण नियंत्रण मंडल नहीं करना आवश्यक होता है और फिर भी अभी तक 2010 से जो सूचनाएं दी है उनका 2020 तक के अर्थात 10 वर्षों से राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडलों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है अब केंद्रीय प्रदूषण मंडल का अगर नियमों का और सूचनाओं का पालन राज्य प्रदूषण मंडल नहीं कर रहा है तो क्या जनता को वो बाध्य करा सकते हैं कि उनके जो मार्गदर्शक सूचना है वो जनता ने पालन करना ही चाहिए तो ये कौन से प्रकार की तानाशाही राज्य प्रदूषण मंडल जनता पर लादना चाहती है वे स्वयं तो केंद्रीय प्रदूषण मंडल के सूचनाओं को अमल नहीं कर रहे इसके विपरीत कृत्रिम पद्धति से टैंक बनाए जा रहे हैं यानी मूल जलाशय में एक भाग में 20 बाय 20 का टैंक बनाकर बहते पानी में ही मूर्ति का विसर्जन हो ऐसी मार्गदर्शक सूचना होते समय ये विपरीत कृत्रिम टैंक बना रहे जो कि मार्गदर्शक केंद्रीय प्रदूषण मंडल के मार्गदर्शक सूचनाओं के विरोध में है तो किसी भी हिंदू नागरिक को वो बाध्य नहीं कर सकते कि आप इस कृत्रिम टैंक में गणेश जी का विसर्जन करो क्योंकि ये उनकी मनमानी है केंद्रीय प्रदूषण मंडल की सूचनाओं के विरोध में आ, वे गुनेगार के स्वरूप में ये कृत्रिम टैंक बना रहे हैं और इसमें होने वाले आर्थिक फेराओं की आर्थिक हेराफेरी की तो जांच होना आवश्यक ही है ऐसे लगता है तो केंद्रीय मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन करना ये राज्य प्रदूषण मंडल और नगर पालिका नगर निगम और महानगर निगम को भी आवश्यक है उसके बाद ही बहते पानी में जो तात्कालिक टैंक बनाए जाएंगे उसमें भक्त अनुसार विसर्जित कर सकते हैं कृत्रिम टैंक में विसर्जित करना कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता है धार्मिक जो अधिकार है धर्म पालन का जो संविधान ने दिया वो अधिकार है और आपकी जो गणेश मूर्ति है मिट्टी की बनी हुई वो प्रदूषित नहीं करती तो उसको बहते पानी में विसर्जित करने के लिए सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएँ उनको मदद करें इस प्रकार का भी एक आदेश निकालने की आवश्यकता है अगर पीओपी या पेपर पल्प की मूर्तियां बनाई हैं तो ऐसे मूर्तियां बेचने वाले और बेचने वालों को लाइसेंस देने वाली सरकारी यंत्रणा तथा इसको प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने कानून नहीं बनाया इसलिए सरकार को भी नोटिस देकर उनको इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मानकर उनके विरोध में भी कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो हमें क्या करना है कि जी ये प्रशासन को ये जो कम्युनिस्ट प्रधान कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित या नास्तिकता से प्रभावित या हिंदू धर्म के विरोध से जो उद्युक्त प्रशासन है जो हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रहा है इन किसी को धार्मिकता हिंदू की धार्मिकता हो या देवता की मूर्ति उसकी चिंता नहीं यह स्पष्ट हो रहा है केवल कृत्रिम ट्रैंक बनाने का ठेका देने तक और उसमें जो आर्थिक लेन देन हो रहा है वही तक इनका स्वार्थी हेतु निहित है तो नहीं था क्या इसकी जांच होने की आवश्यकता है तो सभी गणेश मंडल हिंदू अधिवक्ता और धर्माभिमान हिंदू एकत्रित एक आए उसके लिए आप पहल कीजिए और प्रशासकीय यंत्रणा शासन पुलिस और सभी एन है उनको अपने संगठित शक्ति का कानूनी और बौद्धिक का और वैचारिक जो प्रतिवाद है उसके आधार पर उनका ये जो हिंदू विरोधी षड्यंत्र है हिंदू धर्म पर आघात करने का आस्थाओं पर आघात करने का जो षड्यंत्र है वो निरस्त करने के लिए आप संविधानी और कानूनी तौर पर प्रयास कीजिए ऐसी सभी को मेरी विनती है जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी यहाँ पर आप सभी दर्शकों को, को यह ध्यान में आया होगा कि हिंदुओं के भावनाओं की किसको यहाँ पर पड़ी नहीं है स्वयं तो अपने जेब कैसे भर सकते हैं यही इन लोगों को पता है उसके लिए ये कृत्रिम टैंक बनाने का ठेका देने में ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं और हिंदुओं के ही त्यौहार और उत्सव को एक बदनाम करने का ये प्रयास यहाँ पर चल रहा है तो यदि यही यहीं पर हम सावधान हो जाएंगे और इस प्रकार की गलत कृति हमें नहीं करनी है ये हम सभी ध्यान में रखते हैं मैं आगे इस चर्चा को लेकर चलता हूं गणेशोत्सव पर जो पर्यावरण प्रेमी है पर्यावरणवादी है तो ये विसर्जन का विरोध करते हैं तो वह जानबूझकर विरोध कर रहे हैं ऐसे हिंदुओं का कहना है तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे ये जो झूठे पर्यावरणवादी है या ये झूठे समाज सेवी है उनका यह गणेशोत्सव पर जो गणेश मूर्ति को विसर्जन करते हैं वे जानबूझकर हिंदू धर्म परंपराओं उत्सव त्योहारों को विरोध करते ऐसे जो हिंदुओं का कहना है यह एकदम सत्य है ऐसे हमें उनके आचरण से पता चलता है क्योंकि वे जानबूझकर ही विरोध कर रहे हैं ध्यान में आता है क्योंकि गणेश मूर्ति के विसर्जन के समय यह ये जो तथाकथित समाज सुधारक है या तथाकथित जो पर्यावरणवादी हैं वे वर्ष भर क्या करते हैं प्रदूषण के संदर्भ में या ये धार्मिक त्योहारों की बातें अगर छोड़ते हैं तो अन्य जो प्रशासकीय या अन्य जो प्रदूषण के कारण है औद्योगिकरण है विज्ञान के द्वारा निर्मित आधुनिक यंत्रणा है या टाउन प्लानिंग या नगर निगम या महानगर निगम का ये जो सीवेज या ड्रेनेज के वाटर मैनेजमेंट या प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया है तो इस माध्यम से या इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में जो बहाने की प्रक्रिया हो रही है या हवा में भी छोड़ी जा रही है या कार्बनी मिशन जो व्हीकुलर साइलेंसर द्वारा हो रहा है टू व्हीलर फोर व्हीलर से तो इससे भी तो वायु प्रदूषण हो ही रहा है तो इन सभी प्रदूषणों के घटकों के संदर्भ में यह तथाकथित समाज सुधारक या तथाकथित पर्यावरणवादी जो मूलतः कैम्युनिस्ट विचारधारा के सेक्युलर विचारधारा के और हिंदू विरोध और भारत विरोधी विचारधारा के हैं ये वर्ष भर कहाँ होते और इसके संदर्भ में क्या करते हैं ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बहुत से हिन्दुओं के मन में आया तो हमने इसके बारे में कुछ अभ्यास करने का प्रयास किया तो हमें ऐसे ध्यान में आया कि इनको चाहे जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो ये जो कम्युनिस्ट तथाकथित सुधारवादी है या तथाकथित पर्यावरणवादी है उनको केवल हिंदू त्यौहारों के समय ही प्रकृति का प्रेम उभार कर आता है प्रदूषण के बारे में उनको ध्यान में आता है उनके नए नए अभियान छेड़े जाते हैं इनकी वास्तविकता आपको ध्यान में आए इसलिए कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में गणेशोत्सव मनाया जाता है तो हिंदू जन जागृति समिति के साथ जो समलग्न कार्य करने वाली हिंदू विधिन् परिषद है इन्होंने ये एक अधिवक्ताओं का संगठन है और इन्होंने महाराष्ट्र में नदियों का या जल का होने वाले प्रदूषण का प्रत्यक्ष उन्होंने अध्ययन ही किया तो अत्यंत चौंकाने वाले कुछ बातें अत्यंत चौंकाने वाले कुछ आंकड़े सामने आए हैं और जिसके आधार पर यह पता चलता है कि गणेश मूर्ति का विसर्जन तो जल प्रदूषण का कोई महत्वपूर्ण घटक है ही नहीं अन्य जो घटक है वो बहुत बड़े बड़े घटक है परंतु उसके संदर्भ में ये कम्युनिस्ट सेक्युलर या हिंदू विरोधी भारत विरोधी शक्ति है उसके विरुद्ध चुप रहते हैं उससे होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध वो एक भर आवाज नहीं निकालना चाहते और हिंदुओं पर आघात करना है करके इनका प्रेम जो है वो हिंदुओं के त्योहारों के समय ही उभर कर सामने आता है सबसे पहला जो सूत्र है कि आर्थिक वर्ष 2010 और 11 में जो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अहवाल है यानी कैग के समकक्ष ये जो बॉडीज होते हैं इन्होंने अपने अहवाल में जल प्रदूषण के स्रोतों के विषय में क्या बताया है यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है इन्होंने अपने अहवाल में बताया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पशु वध गृहों से बाहर फेंके जाने वाले गंदे पानी पर योग्य प्रकार से प्रक्रिया होना आवश्यक है ऐसा उन्होंने अपने इस नियम में बताया है क्योंकि पशुपत गृह से जो खून मिश्रित पानी बाहर अगर फैला जाता है तो ये ब्लड एक कल्चर मीडिया के जैसा काम करती है और एक डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं कि ये खून मिश्रित पानी जब जाता है तो खून जो होता है प्राणियों का या मनुष्य का किसी का भी तो उसमें जीव जंतु या रोग फैला फैलाने वाले जो जीव जंतु है इस घटकों की तेजी से वृद्धि होकर एक संसर्ग जन्ने भी बीमारियाँ फैलने की संभावना होती है या रोग फैलाने की घटना भी इसके माध्यम से हो सकती है तो वह भूमि में समाहित होकर वहाँ के स्थानिक पानी को भी वो प्रदूषित करने की संभावना होती है इसलिए ये जो उन्नीस का अधिनियम है उसमें स्पष्टता से यह बात बताइए कि पशुवध गृह से बाहर निकलने वाला जो पानी और वेस्ट है वो पूर्णतः प्रक्रिया होकर योग्य पद्धति से उसका डिस्पोजल होना चाहिए और एक बड़ा प्रदूषण का ही नहीं तो सामाजिक स्वास्थ्य यानी एपिडेमिक तौर पर या वे जमीन में रिजा होने के कारण अन्य जल स्रोतों को भी प्रदूषित करने के लिए निमित्त बन सकते हैं ऐसा यह कारण था लेकिन इस अहवाल के ही अनुसार परीक्षण किए गए जो क्षेत्र थे वो क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों में से या उनके जो कुछ अहवाल थे उसमें से ऐसे ध्यान में आया है कि उनके कार्य क्षेत्र में करीब करीब छप्पन जो पशुवध गृह है जिसको हम स्लॉटर हाउसेस कहते हैं वो छप्पन संख्या में स्लॉटर हाउसेस थे इन छप्पन स्लॉटर हाउसेस में से थर्टी नाइन जो स्लॉटर हाउसेस थे वो प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बिना किसी अनुमति के चल रहे थे ना तो किसी प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इनको अप्रोच करके लेने के लिए बाध्य किया ना तो पुलिस प्रशासन या अन्य यंत्रणा ने इनके जाकर डॉक्यूमेंट चेक किया और उनकी वैलिडिटी चेक किया तो एक तरह से प्रशासन का फेल्यूर प्रशासन का दुर्लक्ष या ऐसे हो सकता है कि प्रशासन ने इसमें भ्रष्टाचार करके उसके तरफ अनदेखी किया हो और उनके क्षेत्र में यह थर्टी नाइन जो स्लॉटर हाउसेस है वो इलीगली चल रहे थे विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो एक तरह से प्रशासकीय यंत्रणा और अवैध पशुग्रह यह प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा एक घटक करके उभर के आया है इसके संदर्भ में ये जो कम्युनिस्ट सेक्युलर विचारधारा के तथाकथित सुधारवादी या पर्यावरण प्रेमी है वो कुछ नहीं बोलते और यह न्यूज छप के आने के बाद भी इसके विरोध में उन्होंने कोई पहल नहीं किया है और इतना ही नहीं तो यह थर्टी नाइन जो स्लॉटर हाउसेस थे जो इलीगल थे बिना अनुमति के चल रहे थे उन्होंने प्रदूषण मंडल से अनुमने अनुमति लेने के लिए कोई आवेदन भी सरकारी दफ्तर में नहीं दिया था इतनी उनकी ये थी तो इसमें स्पष्ट आर्थिक हेराफेरी या भ्रष्टाचार हुआ है अनदेखी करने में यह स्पष्ट हो रहा है तो सरकार ने इसकी जांच करने की आवश्यकता यह सबसे पहले ध्यान में आता है अब पचपन पशुवध गृह स्लॉटर हाउसेस अपना गंदा पानी जिसमें प्राणियों का खून मिला है और जो संसर्गजन्य जीव जंतु को बढ़ाने के लिए एक निमित्त बन सकता है उस पर कोई प्रक्रिया किए बिना वो खुले नाले से बस्तियों में से छोड़ रहे थे और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और जो अंत में इस खुले नाले से होके गटर से होके जाकर जो निकटतम बड़े जल थे तालाबो है तालाबों या नदियां हैं उसमें जाकर मिल रहे थे उपरोक्त तो सभी बातें यही स्पष्ट करती है कि इतनी भारी संख्या में अवैध रूप से चलने वाले जो स्लॉटर हाउसेस है और उसके कारण होने वाली जो पर्यावरण की हानि है सामाजिक स्वास्थ्य की हानि है यह उन स्वयं घोषित ढोंगी सुधारों को, को कभी दिखाई नहीं देती और इसके विरुद्ध में उनका कोई अभियान चलता ही नहीं क्योंकि अगर ऐसे पशुवध गृहों के विरुद्ध में कार्रवाई करने पर विशिष्ट समाज की भावना हाथ होती है क्योंकि ऐसे जो स्लॉटर हाउसेस है वो मुस्लिम समाज के हैं और ये कैम्युनिस्ट और ये जो सेक्युलर पंथियों की जो विचारधारा है वो हिंदू विरोधी होने के साथ वो इस्लाम समर्थित और क्रिश्चियन समर्थित है हमने वामपंथियों का पूरा इतिहास देखा है वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं भारत के टुकड़े का समर्थन करते हैं वो कश्मीर के आजादी का समर्थन करते सावरकर के नाम को उठा कर वो जीना का नाम देना चाहते ये तो बीस बीस में जे में हुआ है तो इसलिए ये ढोंगी जो सुधारक है वो चाहे प्रशासकीय यंत्रणा हो अन्य धर्मियों के माध्यम से होने वाला जल और वायु प्रदूषण हो इसके विरोध में वो कुछ नहीं बोलते हैं और पशुवध ग्रहों के माध्यम से होने वाले इस प्रदूषण को अनदेखी करने वाले ये ढोंगी सुधारक और इनके टोलिया गणेश मूर्ति के संदर्भ में नवरात्रि के संदर्भ में मूर्ति विसर्जन के समय वे एकाएक सक्रिय हो जाते हैं और फिर हिंदू आस्था हिंदू धर्म हिंदू त्यौहारों पर आघात करके वे प्रदूषण के चोला ओढ़कर हिंदुओं पर आघात करने की प्रक्रिया शुरू करती है तो ये अत्यंत षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है और इसलिए जनता को जो लगता है कि ये जान कर हेतु पुरस्पर हिंदुओं पर, पर आघात कर रहे हैं तो उनकी ये जो आरोप है ये सत्य है और इसमें तथ्य है अब आपको एक दूसरा अध्ययन मैं बताना चाहूँगा पुणे जिले के अनेक बड़े जो शहर और गांव है वो नदी किनारे बसे हुए हैं इन नागरिक बस्तियों से निर्माण होने वाले गंदे पानी के जो नाले हैं उस पर कुछ ही अंश मात्रा में ही प्रक्रिया किया जाता है और बाकी जो शेष है नब्बे प्रतिशत अस्सी प्रतिशत पानी वो बिना किसी प्रक्रिया के भीमा नदी में छोड़ दिया जाता है अब ये नगर निगम ग्राम पंचायत या महानगर पालिका ऐसे सरकारी यंत्रणाओं के नियंत्रण से ये प्रदूषण हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर और स्टेट एजेंसी स्पॉन्सर ये वाटर पॉल्यूशन है यानी प्रत्यक्ष में 50 करोड़ 20 लाख के आसपास ये गंदा पानी बिना कोई प्रक्रिया किए सीधा भीमा नदी में छोड़ा जाता है अब पुणे महापालिका के क्षेत्र में एक मैं आपके क्षेत्र का एक तथ्य आपको बताना चाहूंगा पुणे महापालिका क्षेत्र में प्रतिदिन एक हजार सत्तर मेट्रिक टन कचरा निर्माण होता है और उसमें से केवल उसमें से पाँच सौ मेट्रिक टन जो कचरा है वो अशास्त्रीय और गलत पद्धति से खुले में फेंक दिया जाता है वर्ष के तीन सौ पैंसठ दिन नदियों में गणेश मूर्तियाँ विसर्जित नहीं की जाती है तब भी प्रतिदिन करोड़ों लीटर गंदा पानी यानी जिसको हम अपशिष्ट पानी कहते हैं नदियों में मिलाकर नदियों को प्रतिदिन दूषित करने की प्रक्रिया प्रशासकीय और शासकीय संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष हो रही है और इस स्टेट स्पॉन्सर्ड सो कॉल्ड वाटर पोल्यूशन को यह स्वयं घोषित जो स्वयं को सुधारक मानते हैं या पर्यावरण प्रेमी मानते हैं ये टोली इनको अनदेखी कर देती है इससे यही स्पष्ट होता है कि यह टोली केवल हिंदुओं के त्यौहार को ही विरोध में कार्य करती है प्रदूषण के लिए पशुवध भी उत्तरदायी है और पशुवध मुस्लिम समाज के ओनरशिप में है परंतु तो इन स्वयं घोषित सुधारकों को इसके विरोध में कभी आवाज नहीं उठाई और उठाते हुए कभी देखा नहीं गया है तो आपके इस कृतियों के वजह से ही आपका जो हिंदू त्योहारों के समय प्रदूषण के नाम पर विरोध करने की प्रक्रिया है उसमें आपका हेतु ही हिंदू धर्म को विरोध है यह स्पष्ट होने के कारण इसमें आपका ना तो पर्यावरण प्रेम है ना प्रदूषण प्रेम है ना तो समाज सुधारने की प्रक्रिया के ऊपर आपकी कोई निष्ठा दिखती है इसलिए आपके जो झूठे एडजेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे निरस्त होते हैं और केवल हिंदू विरोधी भारत विरोधी कम्युनिस्ट सेक्युलर विचारधाराओं के लोगों का ये हिंदू विरोधी षड्यंत्र है यही यहाँ पे स्पष्ट होता है और इसलिए हिंदुओं को जो लगता है कि ये जानबूझकर हमारे धार्मिक त्योहारों को विरोध कर रहे उनके इस आरोपों में सौ प्रतिशत तथ्य ऐसे लगता है तो हमने इसमें जो जो आक्षेप लिया है उस सभी आक्षेपों के बारे में सरकार ने भी सोचने की आवश्यकता और जागरूक गणेशोत्सव मंडल है जागृत अधिवक्ता है धर्म परिप्रेमी है उन्होंने एकत्रित आके अब इनके विरोध में लीगली क्या प्रोसेस कर सकते हैं, उनको लीगली नोटिस देकर इनके गलतियों के लिए उनको कैसे दंडित किया जा सकता है उसके लिए भी पहल करने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने जो आंकड़े हमारे सामने रखे हैं तो ये खुद ब खुद स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से पूरे साल भर में गंदा पानी इंडस्ट्रियल वेस्ट या ये जो स्लॉटर हाउसेस कत्तलखानों से निकल रहा जो गंदा पानी निकलता है उस पर कोई प्रक्रिया की नहीं जाती ये इंडस्ट्रियल वेस्ट इसी प्रकार से हमारे नदियों में छोड़ दिया जाता है और तीन दिन ये बातें चल रही है परंतु इस पर इसके कारण प्रदूषण नहीं होता है परंतु साल में एक बार आने वाला गणेशोत्सव उसके कारण प्रदूषण हो रहा है इस प्रकार का एक गलत प्रचार यहां पर ये तथाकथित आधुनिकतावादी सेक्यूलरवादी कम्युनिस्ट लोग कर रहे हैं और हिंदुओं को त्यौहार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं केवल हिंदुओं के, के त्यौहार बाकी अन्य किसी भी संप्रदाय के बारे में किसी भी धर्म के बारे में इन्हें प्रदूषण नहीं दिखाई देता है पर हिंदुओं का त्यौहार आ जाता है तभी ये गलत बातें ये समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं तो ये जो आंकड़े यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं तो ये आंकड़े आप इसको अवलोकन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी आप पहुँचा सकते हैं क्योंकि ये तथ्य हमने लीगल डिपार्टमेंट की ओर से और हिंदू विधिज्ञ परिषद के अधिवक्ताओं ने ये जानकारी निकाल कर लाई है आर के माध्यम से ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं और हमारे भावनाओं को किस प्रकार से कुचला जा रहा है ये यहाँ पर हम समझ कर ले सकते हैं दर्शकों से ये आह्वान है कि आज के धर्म संवाद के कार्यक्रम में हमने जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने समझ कर ली और तथ्यों के साथ हमने ये समझ कर ली ये किसी वर्तमान पत्र में छप कर नहीं आई है ये जानकारी हिंदुओं तक पहुंचाने का प्रयास किसी से किया नहीं जा रहा है और उसके कारण हम कहीं ना कहीं अंधकार में हैं हमें लगता है केवल हमारा धर्म ही ऐसे संकुचित है और हमारे हिंदू धर्म के कारण ही सनातन पद्धति के कारण ही प्रदूषण हो रहा है परंतु ऐसे कुछ भी नहीं है ये हिंदुओं को कम लेखने का एक प्रयास किया जा रहा है हिंदू धर्म कैसे गलत है ये षड्यंत्र ये वामपंथियों का है यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है और इस षडयंत्रों को दूर करने के लिए और हमारे सभी तथ्य हमारे सामने आए इसके बारे में हमें जानकारी मिले इसलिए ये धर्म संवाद का कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये धर्म संवाद की श्रृंखला इसी प्रकार से शुरू रहेगी मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करता हूँ कि आपके संपर्क में आपके परिचित जो भी हिंदू है उनको आप सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी सत्य क्या है ये बातें आप ध्यान में लाकर दे सकते हैं अधिक से अधिक लोगों तक ये कार्यक्रम शेयर करें उनको यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी आपके परिचित लोगों को यह जानकारी देखने का आह्वान करें और आप भी इस धर्म कार्य में सहभाग लें ऐसे में आप सभी से आह्वान करता हूँ भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हुआ इसलिए उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज के धर्म संवाद को हम यहीं पर विराम देते हैं नमस्कार